जय बली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी की जय। 16 दिवसीय शांति भक्ति मंडल विधान का आयोजन जम्बूदी भस्नापुर से बराबर आपको दोपहर में 3:30 बजे से पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे देखने का और करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये 16 दिन का पक्ष है, वैशाख शुक्ल पक्ष है, 1 मई से 16 मई तक ये मंडल विधान बराबर यहाँ से प्रसारित हो रहा है, यहाँ किया जा रहा है। और आप सब भक्तगण जो भी सामग्री लेकर के घर में बैठ रहे हैं, वो सामग्री के द्वारा अथवा यहाँ से देख करके और शांति भक्ति विधान का पूर्ण सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ जैसा कि आपको बराबर सूचना दी जा रही है, मांगी तुंगी में 15 जून से 30 जून तक महामस्तिकाभिषेक, ये 6 वर्षीय महामस्तिकाभिषेक पहली बार होगा। यानी सन 2016 में प्रतिमा का निर्माण पूर्ण हुआ और सन 2016 में महामस्तिकाभिषेक संपन्न किया गया। अनेक भक्तों ने अपने हाथों से कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उसी प्रकार से प्रत्येक 6 वर्ष में पूज्य माता जी की आज्ञा से, पूज्य माता जी के आशीर्वाद से हम और आप मिलकर के प्रत्येक 6 वर्ष में भगवान ऋषभदेव की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, इनका महामस्तिकाभिषेक करके भगवान ऋषभदेव की प्रभावना सारी दुनिया के अंदर, सारे देश के अंदर करना है और मस्तिकाभिषेक के द्वारा स्वयं को पुण्य के अंदर ढालना है, सौभाग्य प्राप्त करना है। इसलिए 6 वर्षीय महामस्तिकाभिषेक पहली बार सन 2022 में हो रहा है। आप सभी भक्तों को, सभी परिवारों को मेरी ओर से यही प्रेरणा है कि आप स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ मांगी तुंगी पहुँच कर और 15 जून से 30 जून तक एक कलश अभिषेक अपने हाथों से करने का, भगवान के दर्शन करने का, भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्योपार्जन अवश्य करें। अपने आने की सूचना दो नंबर पारस चैनल पर आपको दिख रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के, उन नंबर पर अपनी सूचना जरूर दें ताकि हमें ज्ञात होगा कि आप आ रहे हैं और आपके ठहरने आज की सुविधा वहां पर की जाएगी। अब होगा यहां पर शांति भक्ति मंडल विधान। इसके साथ आप सभी को यह भी विदित है कि सन 1996 से लेकर सन 2016 तक 20 साल के अथक परिश्रम के द्वारा ये प्रतिमा का निर्माण, इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण इस पर्वत के ऊपर होना अत्यंत कठिन कार्य था। ये सरल कार्य नहीं है। हम प्रतिमा मकराना में, जयपुर में बनवाते हैं और ला करके अपने मंदिर में या अपने स्थान पर विराजमान करते हैं। अगर हमें 31 फुट की प्रतिमा बनवाना होता है तो भी कम से कम 2 से 3 साल निकल जाता है। माइन से पाषाण निकलवाना, पाषाण को लाना, पाषाण से प्रतिमा बनवाना, खड़ी करना, ये सारे आयोजन में कम से कम 2-3 साल का समय निकल जाता है। और इतनी बड़ी प्रतिमा जो कहीं से लाई नहीं जा सकती, कहीं से पाषाण लेकर के आया नहीं जा सकता, इतना बड़ा पाषाण कहीं मिल नहीं सकता, ये तो पूज्य माता जी का पुण्य और हमारे पूरे दिगंबर जैन समाज का पुण्य और सौभाग्य था कि अखंड पाषाण इस पर्वत के ऊपर और पूर्व दिशा में प्राप्त हुआ। यानी जब पहाड़ हमारा साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुखी है, और थोड़े से कर्व के साथ ये पूर्व मुखी पहाड़ हमें प्राप्त हुआ, अखंड पाषाण हमें मिला। बहुत ही दुविधा रहती थी, लेकिन ये हमारा पूरे जैन समाज का सौभाग्य है कि अखंड पाषाण प्राप्त हुआ और उसमें प्रतिमा बहुत सुंदर सांगोपांग प्रतिमा, नौताल की प्रतिमा बनाने का सुयोग हमारे ट्रस्ट को प्राप्त हुआ और पूरे भारत ने, पूरे दिगंबर जैन समाज ने 1,08,000 रुपये की इस छोटी सी राशि दे करके और इस प्रतिमा के निर्माण में सहयोग प्रदान किया, जिससे आपको ये प्रतिमा बनने का, देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक कलश अब आपको करना है। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आपको अभी इसका थोड़ा सा इतिहास डॉक्यूमेंट्री के द्वारा पारस चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, देखें। जब लो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। क्या सुंदर दृश्य आपने देखे, मनोहारी दृश्य ऋषभगिरी मांगी तुंगी के, जहाँ 15 जून से 30 जून तक
महोत्सव होने जा रहा है 6 वर्ष का। आप सब लोग निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। और अब हम 16 दिवसीय इस पक्ष के अंदर भगवान शांतिनाथ की आराधना करते हुए शांति भक्ति विधान प्रारंभ करते हैं। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। हे शांति जिन तुम शांति के दाता जगत विख्यात हो, इसे हे तुम निगण आपके पद में नमाते मात को, निजात्म सुख पीयूष को आस्वादते वे आप में, इसे हे तु प्रभु आवान विद से पूजऊं नत मात में। स्थापना कीजिए। ओम इम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर समो षटावाननम। ओम इम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम इम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधि कर्णम स्थापनम। चिरकाल से बहु प्यास लागी नाथ अब तक ना बुझी, इस हेतु जल से तुम चरण यु जजन की मन सा जगी। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र संसार ताप नाशना चंदनम निरुपामिति स्वाहा। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए ओ फिर कभी आंचा नहीं। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र क्षपत प्राप्त अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। चंपा चमेली बकुल आदि के पुष्प ले पूजा करूं, मन सिजे विजेता तुम जजत निज आत्म गुण परिचय करूं। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय काम्बानंदनाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। यह भूख व्याधि पिंड लागी किस विधि में छूटाऊं, पकवान नाना विधि लिए इस हेतु ही तुम पूजाऊं। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम शांतिनाथ जिनेन्द्राय शुद्धारोग नाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। अज्ञान तम दृष्टि अरे निज ज्ञान होने दे नहीं, इस हेतु दीपक से जजु मन में उजेला हो सही। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र मोहनकार विनाशनाय दीपम निरुपामिति स्वाहा। अज्ञा एक कर्म वैरी संग लागे एक क्षण ना छोड़ते, और धूप अग्नि संग खेते दूर से मुख मोड़ते। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अष्टकर्म दनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। फल मोक्ष की अभिलाष लागी किस तरह अब पूर्ण हो, इस हेतु फल से तुम जजु सब विघ्न वरी चूर्ण हो। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर
कभी आंचा नहीं। ओम श्री शांति राजनेन्द्र मोक्षोल प्राप्ते फलम निरुपामिति स्वाहा। मोल रत्नात्र निधि की मैं करूं अभियाचना, जजुआर गिले मुझ ज्ञान मती कैवल्य हो ये कामना। शांति नाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता तुम्हें, प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम श्री शांति राजनेन्द्र नर्कपत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा देवी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम रीम भाद्रपद कृष्णा सप्तम्यां श्री शांतिनाथ जिन गर्भ कल्याण का अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दश्याम श्री शांतिनाथ जिन जन्म कल्याण का अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दश्याम श्री शांतिनाथ जिन दीक्षा कल्याण का अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम शुक्ला दशम्याम श्री शांतिनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दश्याम श्री शांतिनाथ जिन मोक्ष कल्याण का अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम श्री शांतिनाथ पंच कल्याण कार्यम निरपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा देवी पर पुष्पांजलि क्षिपेत। मंडल पर अर्घ्य चढ़ाएंगी, पहले पुष्पांजलि कीजिए, पुनः शांति भक्ति के साथ झलरी यंत्र की आवाज सब लोग सुने, घर में स्वस्थता का वातावरण प्रस्तुत हो। अथ मंडल से उपरि पुष्पांजलि क्षिपेत। न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम् ते प्रजा, हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराणवा। अत्यंत स्फुरद उग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो, ग्रीष्म कारयतिन्दु पाद सलिल छायानुरागम रवि। ओम रीम संसार दुख भीत भवि गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। रुद्राशीर विषदष्ट दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो, विद्या भय सज मंत्र तो हवन याति प्रशान्तिं यथा। तद्वत्ते चरणारिणां भुजयुग स्तोत्रोन्मुखानां नृणां, विघ्नाकाय विनायकाश्च सहसा साम्यंत्यहो विस्मय। ओम नीम सर्विघ्न शांतिकरा श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरदिते, पुंसां तच्चरण प्रणाम करणा पीड़ा प्रयांति क्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत करशत व्याघात निष्कासिता, नाना देवी लोचन द्वितीयरा शीघ्रम यथा शर्वरी। ओम रीम प्रणत जन कष्ट निवार का श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। त्रैलोक्ये सर्वभंग लब्ध विजया दत्यंत रौद्रात्मका, नाना जन्म सतांतरे सुपुरतो जीवस संसारिणा। प्रस्खलती केन विधिना कालोग्रदावनलन, नस्याचित्तव पाद पद्मयुगल स्तुत्यापगावारणम्। ओम रीम स्तोत्रिणाम मृत्युंजय पद प्रदायका श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञान एक मूर्ते विभो, नाना रत्न पिनद्य दंड रुचिर श्वेतात पत्र त्रय। पादद्वय पूत गीत रवत शीघ्रम द्रवन्त्या मया, दर्पाद माद मृगेन्द्र भीम निनदा ध्वन्या यथा कुंजरा। ओम रीम चरणाम्बुज स्तुति कर्तृणाम सर्वरोग विनाश का श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दिव्य श्री नयनाभिराम विपुल श्री मेरु चूड़ामणे, भासत बाल दिवाकर द्वितीयर प्राणिष्ट भामंडल। अव्याबाधम चिंत्य सारमतुलम त्यक्तोपमं शाश्वतम, सौख्यम त्वच्चरणारविन्द युगल स्तुत्यैव संप्राप्यते। ओम रीम स्तवन प्रसाद स्तोत्रिणाम चिंत्य सार सौख्य प्रदायक श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। यावन्नोदयते प्रभा परिकर श्री भास्करो भास्यं, तावद्धारयति पंकजवनम निद्राति भारश्रमम्। यावत्तच्चरणद्वयस्य भगवन्नस्यात् प्रसादोदयस्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापम् महत्। ओम रीम चरण कमलाश्रित जन सर्व पाप प्रणाशकाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनसस्तत्पाद पद्माश्रयात्, संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु बहुवा
शांतर्थिनः प्राणिनः कारुण्यान् मम भक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वय दैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः ॐ ह्रीं स्वपाद पद्माश्री शांत्यर्थि भक्तिकानां दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय यज्ञं निरुपामिति स्वाहा शांतिजिनं शशि निर्मल वक्त्रं शील गुण व्रत संयम पात्रम अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तमम् अम्बुजनेत्रम ॐ ह्रीं शील गुण व्रत संयम पात्र श्री शांतिनाथाय यज्ञं निरुपामिति स्वाहा समीप्सित चक्रधराणां पूजितमेन्द्र नरेन्द्र गणैश्च शांतिकरं गण शांति षोडश तीर्थकरं प्रणमामि ॐ ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकरा श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा दीवितरुसुर पुष्ट सुरेष्ट दुन्दुविरासन योजन घोष आतपवारण चामर युग्मे यस्य विभाति च मंडल तेज ॐ ह्रीं अशोकवृक्ष वृक्षादि अष्ट प्रातिहार समन्विता श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शांतिं मह्यमरं पठते परमां च ओम ने सर्वगणा स्तुति पाठ का मह्यम च परम शांति करा श्री शांतिनाथाय शांति स्वाहा ओम ह्रीं शक्रादिविस्तुत्पाद पद्मा सतत शांति करा श्री शांतिनाथाय यज्ञनिरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्रगण देश राष्ट्र पूर्ण नृपतिगण शांति करा श्री शांतिनाथाय यज्ञनिरुपामिति स्वाहा पारस चैनल वाले सभी लोग जूम चैनल पर आ जाएं क्योंकि पारस चैनल का समय समाप्त हो रहा है इसलिए जूम चैनल पर आपको विधान पूर्ण करना है ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टि कारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौर मारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांति कारक विश्वादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अरम पंचमा कल्याण अष्टमा प्रातिहार चतुर्थिंश समन्वित द्वा त्रिंशत इंद्रगण चक्रवर्ती वल्लदेवासुदेवादि पूजित गणधरा मुनिगणादि वंदित वृषभादि महावीर तीर्थंकर चतुर्शत तीर्थंकरेभ्यः पूर्णार्घ्यं निपाति स्वाहा शांतये शांतिधारा देवी परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः जय माला हस्तिनागपुर में हुए गर्भ जन्म तप ज्ञान संविदा चल मोक्ष तल गाऊं प्रभु गुण गान मैं नमो शांति तीर्थ को नाथ मेरे हरो सर्व भव क्लेश को ये नाथ मेरी मनोकामना तेरा होवे न संसार में आवना बीस सेन प्रिया माता रावती वर्ष 1,00,000 आयु कनक वर्ण ही पूरी नाथ मेरी मनोकामना तेरा होवे न संसार में आवना दे 40 धन चिन्ह मृग ख्याति है जन्म भू हस्तिना पूरी भी ख्यात है पूरी नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना नाथ के समोस्रति में सभा मध्य साधु 62 सहस मूल गुण धारी थे पूरी नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना चक्र आयुध प्रमुख गणपति श्रेष्ठ थे रिद्धि संयुक्त 36 मुनि ज्येष्ठ थे पूरी नाथ में